हेलो एवरीवन, आई एम सरिता श्रीवास्तव फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। नाउ आई एम गोइंग टू टीच हिंदी स्टैंडर्ड 3। बच्चों, आज मैं आपको आपके पाठ्य पुस्तक मकरंद से पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है रंगों का त्योहार। इस कहानी के माध्यम से हम लोग होली के बारे में जानेंगे कि होली हम कैसे मनाते हैं। आओ हम अब पाठ पढ़ते हैं। रंगों का त्योहार। बच्चों, होली रंगों का त्योहार है। इस त्योहार पर अमीर गरीब छोटे बड़े का कोई भेद का मतलब होता है अंतर, छोटे बड़े का कोई अंतर दिखाई नहीं देता। सभी लोग मिलजुल कर धूमधाम से होली मनाते हैं। धूमधाम का मतलब होता है बच्चों ठाठ बाट से, खूब उसमें मन लगाते हैं, खूब मिलजुल कर उत्साह के साथ हम इस पर्व को मनाते हैं। बच्चों, इसमें दादाजी से सबके पुराने कपड़े निकालने के लिए कहा। दादी जी ने सबके लिए पुराने कपड़े निकाल कर रख दिए। अब गौरव ने दादी जी से पूछा, दादी माँ, ये कपड़े तो पुराने हैं, आपने इन्हें क्यों निकाला है? अब बच्चे के मन में प्रश्न था, क्योंकि दादी पुराने कपड़े निकाल रही थी। दादी जी ने कहा, बेटा, कल होली का त्योहार है इसलिए, क्योंकि दादी ने उसे गौरव को समझाया कि कल होली का त्योहार है इसलिए हम पुराने कपड़े निकाल रहे हैं। तब गौरव पूछता है, पर दादी माँ, त्योहार पर तो हम नए नए कपड़े पहनते हैं, फिर आपने पुराने कपड़े क्यों निकाले हैं? दादी बोली, बेटे, जब कल हम होली मनाएंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा दादी माँ, हम होली क्यों मनाते हैं? गौरव ने पूछा। अब दादी कहती हैं, आओ आज मैं तुम्हें होली के बारे में बताती हूँ। अब बच्चों, दादी ने होली के बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, पुराने समय की बात है, एक राजा था, वह ईश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, वह स्वयं को ही ईश्वर मानता था। उसका एक बेटा था, वह ईश्वर का भक्त था। राजा चाहता था कि उसका बेटा प्रजा की तरह उसी की पूजा करें, ईश्वर की नहीं। राजा अपने बेटे से नाराज रहता था। एक दिन राजा ने क्रोध में अपने बेटे को जान से मारने का विचार बनाया। इसके लिए उसने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका के पास एक अग्निरोधक चादर थी। अग्निरोधक का मतलब होता है बच्चों आग से बचाव करने वाला। उसे ओढ़कर आग में बैठने पर भी शरीर नहीं जलता था। होलिका राजकुमार को गोद में लेकर आग में बैठ गई। उसने सोचा, राजकुमार जल जाएगा। थोड़ी ही देर में तेज हवा चली, जिससे चादर उड़कर राजकुमार पर आ पड़ी। अब गौरव उत्सुकता से पूछता है कि दादी, फिर क्या हुआ? दादी ने कहा, राजकुमार बच गया, होलिका जलकर राख हो गई। तब से लोग लकड़ियां इकट्ठा करके होलिका दहन, दहन का मतलब होता है जलाना, तो होलिका दहन करते हैं। इसे धर्म की जीत भी कहते हैं। गौरव ने पूछा, फिर पुराने कपड़ों से क्या करते हैं दादी माँ? अब दादी कहती हैं, बेटा, पुराने कपड़े पहनकर होली खेली जाती है। दूसरे दिन लोग एक दूसरे पर रंग डालते हैं, गुलाल लगाकर गले मिलते हैं, बच्चे पिचकारी में रंग भरकर अपने साथियों पर डालते हैं, कुछ लोग रंग बिरंगे गुलाल उड़ाते हैं, नए कपड़े खराब न हो इसलिए पुराने कपड़े पहनते हैं। गौरव ने कहा, दादी माँ, मैं भी कल सबके ऊपर रंग डालूंगा। दादी माँ बोली, बेटा, होली मेल जोल का त्योहार है, इसे हमें प्रेम से मनाना चाहिए। अच्छा, अब तुम अपने दादाजी के साथ बाजार जाओ, कल के लिए ढेर सारा रंग, गुलाल और पिचकारी लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए गुजिया और मिठाई बनाती हूँ। बच्चों, होली का मुख्य पकवान गुजिया और मिठाई होता है, और हम मालपुआ भी बनाते हैं। ठीक है दादी माँ, अब पता चला कि होली के दिन पुराने कपड़े क्यों पहने जाते हैं। यह कहते हुए गौरव दादाजी के पास दौड़ता हुआ चला गया। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि होली का त्योहार हम कैसे और क्यों मनाते हैं?
आपने पहले प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा, उसी की कहानी है। हिरण्यकश्यप का ही पुत्र प्रहलाद था जो भगवान का भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप उसे ऐसा करने से मना करता था, उसे मारने की हमेशा चेष्टा करता था, लेकिन भगवान की दया से वो हमेशा बच जाता था। यही होली का कहानी है। तो बच्चों, पानी को बचाएंगे, सूखी होली मनाएंगे। धन्यवाद।